अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर. दिस इज़ वकार फ्रॉम कैमरा इंटरनेशनल साइंस कॉलेज अड़तला. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग. इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से जितने भी लेक्चर आपको डिलीवर किए गए हैं वो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझे होंगे एंड यू मस्ट हैव प्रैक्टिस देम और उनकी आप यकीनन प्रैक्टिस कर चुके होंगे. मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितना भी आपको मटेरियल पढ़ाया गया मेरी तरफ से या सर वाजिद साहब की तरफ से वेदर इट वाज रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक और ग्रामर सेक्शन यू वुड हैव प्रिपेयर्ड बोथ द सेक्शन वेरी वेल. दोनों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और तैयार कर लिया होगा. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि टेंसेज आपके जारी हैं. इससे पहले आप 6 टेंस पढ़ चुके हैं और अब जो पिछले 2 लेक्चर थे उनके अंदर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अनदर tense which is known as the name of present perfect active voice. Present perfect का हमने क्या पढ़ा? Active voice पढ़ा, जिसके अंदर हमने detail में present perfect active voice के affirmative और जिसे आप मुसबत या positive के नाम से जानते हैं negative and after that we have covered interrogative sentences. So right now in this lecture you can learn about the practice exercise of present perfect regarding active voice. It is very important for you because when you are going to practice something you would be able to define and clarify that thing very effectively. So it's very important for your effectiveness regarding your this subject which is known as the name of English. So regarding this particular subject you are going to practice this exercise and this exercise is the part of present perfect. Aur ye kiska hissa hai? Present परफेक्ट क्या है? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव डॉट एस नेगेटिव डॉट एस. व्हाट इट मींस? इट मींस मुस्बत फिकरात और उसका मतलब है नफी, नॉट मनफी. मनफी नहीं कहना आपने, क्या कहना है? नफी कहना है. सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल. यू कैन सी उसने दरख्त लगाए. मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि पहचान क्या, अलिफ छोटी है बड़ी और साथ में है और हाँ. उसने दरख्त लगाए, यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? लगाना. कौन लगा रहा है? उसने. किस चीज़ को लगाया? दरख्तों को. तो एस वी ओ जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग एक्टिव वाइज, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया. पहले एस आएगा, क्या आएगा? व्हाट इज एस? सब्जेक्ट. ही, साथ में क्या आ गया? हैज़. वर्ब क्या? प्लांट. थर्ड फॉर्म है प्लांटेड. ही हैज़ प्लांटेड ट्रीज. He has planted trees. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये subject, ये third form of verb है और ये आपका क्या है? Object है. तो एस वी ओ का सीक्वेंस अगेन इट हैज़ बिन क्लियर राइट नो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. मैं खाना खा चुका हूँ. खा वर्ब है, कौन? मैं. किस चीज़ को? खाने को. तीनों क्लियर हो गए. सो कैसे बनेगा? आई, आई के साथ क्या आता है? आई हैव. Eat, at, eaten. Third form eaten. I have eaten meal. मैं खाना खा चुका हूँ. I क्या है? सब्जेक्ट है. ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब हो गया. और ये क्या है? ऑब्जेक्ट. फिर एस वी ओ आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया. वो खत लिख चुका है. लिखना डियर स्टूडेंट्स में वर्ब है. कौन है वो? किस चीज़ को लिख रहा है? खत को. इट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ एस वी ओ विच इज रिलेटेड टू एक्टिवाइज. जो एक्टिवाइज का है वो कंप्लीट हो गया. वी आर गोइंग टू जस्ट पुट. हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? जस्ट हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को लिखने जा रहे हैं. पहले सब्जेक्ट आएगा, ही, वो. क्या आ गया? हैज. राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकेंड और रिटन थर्ड. ही हैज रिटन अ लेटर. ही हैज़ रिटन अ लेटर. फिर देखें सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव पार्ट. तुमने किताब खरीदी है. खरीदना वर्ब है. कौन? तुम. किस चीज़ को? किताब को. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. फिर आगे यू हैव. बाय फर्स्ट फॉर्म, बाट सेकेंड और बाट ही थर्ड है. दोनों बाट है. यू हैव बाट अ बुक. डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट. तो ये आप इसका एक स्क्रीन शॉट लें, मज़ीद मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ.
जी डी एस स्टूडेंट आप ले चुके हैं स्क्रीन शॉट इसका। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सिंपल काम है, इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। SVO है, हैज हैव का इस्तेमाल है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई के साथ हैव, यू के साथ है। एंड आफ्टर दैट वी हैव जस्ट पुट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इसके अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ वेरी ओबियस चेंज, यू आर जस्ट गोइंग टू पुट नॉट आफ्टर हैज एंड हैव। कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज, यू आर जस्ट गोइंग टू पुट नॉट, द टर्म ऑफ नॉट विच इज़ रिलेटेड टू नेगेशन, जो कि नफ़ी की अलामत है, नो या नॉट या नेवर, तो उसको हम पुट करेंगे। बट हेयर वी आर ओनली गोइंग टू पुट जस्ट, क्या पुट करने जा रहे हैं, नॉट आफ्टर हैज एंड हैव। तो वो जुमला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं के अंदर। यहाँ पर देखें ये नहीं आ गया, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो जस्ट हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है। वी आर गोइंग टू मेक अ स्लाइट चेंज, जस्ट पुटिंग नॉट आफ्टर हैज एंड हैव, जहाँ जहाँ पे हैज हैव है उसके बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। लेट्स मेक इट ही हैज नॉट। सो देखें एज के बाद क्या लगाया, नॉट, बाकी सारा वही रहेगा। ही हैज नॉट प्लांटेड ट्रीज, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन मील, मैंने खाना नहीं खाया, वो खत नहीं लिख चुका। ही हैज नॉट, he has not write wrote written a letter, तुमने किताब नहीं खरीदी। यू था यहाँ पे, have के बाद क्या आ गया, not। you have not bought a book, देखिए कोई चेंज नहीं आया, जस्ट हमने क्या किया, has plus not, हैज़ प्लस नॉट, हैज़ प्लस नॉट, कोई बड़ा चेंज नहीं आया। वही सब्जेक्ट, वही वर्ब, वही ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब की क्या है थर्ड फॉर्म, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। यानी यहाँ पे हमने कोई फॉर्म के हिसाब से भी कोई तब्दीली यहाँ पे नहीं लाई है। तो ये आपका दो हिस्से कंप्लीट हो गए हैं, इसका एक स्क्रीन शॉट लें, फिर मैं इसकी मदद से आपको इंट्रागेटिव समझाता हूँ। जी डी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज रिलेटेड टू इंट्रागेटिव। इसको लोग इंटरोगेटिव कहते हैं, बट इट इज़ नॉट प्रोनाउंस इन दिस सेंस, इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड इंट्रागेटिव आर इंट्रागेटिव। यू कैन नॉट प्रोनाउंस इट इन प्रोनंसिएशन ऑफ इंटरोगेटिव, इट इज़ अ रॉन्ग प्रोनंसिएशन, ये गलत प्रोनंसिएशन है, ठीक हो गया। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड इट्स थर्ड सेक्शन आर पार्ट। इसको सवालिया बनाने के लिए डियर स्टूडेंट बहुत आसान है, स्टार्ट पे क्या लगाएं, क्या क्या उसने दरख्त लगाए हैं, आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, सवालिया। एक और हम लेते हैं यहाँ पे, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, सवालिया निशान। क्या वो खत लिख चुका है,
सवालिया निशान, क्या और सवालिया निशान लगाया तो ये क्या बन गया, इसका इंट्रागेटिव बन गया। तुमने किताब खरीदी है तो क्या लगा दें, क्या तुमने किताब खरीदी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट हमने क्या किया है, क्या का सेंस पुट किया है इस पूरे के अंदर, तो ये सवालिया बन गया। सो हेयर वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, वी आर नॉट पुटिंग एन अनदर वर्ड, नो वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट की पोजिशन को चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट हैज़ और हैव के क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, बाकी सारा का सारा वो ही रहेगा। अब देखिए सब्जेक्ट हैज़ को हमने पहले लगाना हैज़ ही, बाकी सारा वही रहेगा। प्लांटेड क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे हैव पहले आ जाएगा, हैव आई, हैव आई ईटन, वी हैव नॉट मेड एनी चेंज, इवन दो नॉट अ स्लाइट चेंज, थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया, जस्ट वी हैव चेंज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट। देखें हमने जस्ट सब्जेक्ट की पोजिशन को बदला, यहां भी हैज पहले आ जाएगा, हैज ही रिटर्न लेटर, क्वेश्चन मार्क, हैव यू बॉट अ बुक, हैव यू बॉट अ बुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों क्या है, सब्जेक्ट, तो जब सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बदल गई है, यानी सब्जेक्ट बाद में आ गया और हैज़ हैव क्या है सब्जेक्ट से पहले आ गए, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आया, कोई बड़ा चेंज इसके अंदर नहीं आया। सो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, जी डियर स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीन शॉट। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में यू हैव लर्नड अबाउट द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर इंग्लिश सब्जेक्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी एंड अफेक्टिव, देन यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेज। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज एक्सरसाइजेज, यू वुड बी एबल टू डिफाइन योर टॉपिक रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन अफेक्टिव वे। सो फॉर गेटिंग अफेक्टिवनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वैन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस एनी थिंग। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू कैन नॉट अचीव योर गोल रिगार्डिंग द लेवल ऑफ योर गोल, रिगार्डिंग द नीड ऑफ योर गोल, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को क्या करती है, आला बनाती है, अच्छा बनाती है। तो आखिर पे एक पैगाम जो बड़ा ज़रूरी है, डियर स्टूडेंट, हमारे घर के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे एहसास के हकदार हमारे वालदैन होते हैं। अगर कोई बच्चा अपने वालिदैन का एहसास नहीं कर रहा, उनके बारे में नहीं सोच रहा, तो फिर उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके बड़ा होने तक हर ख्वाहिश, हर तरह की ज़रूरियात को पूरा करने वाली दो ही हस्तियाँ हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके वालिदैन, वो आपकी मम्मी है, वो आपके पापा है, या आपकी अम्मी है, या आपके अब्बू है, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मम्मी, डैडी, पापा, जो भी, व्हाटसो एवर, तो वही सब कुछ है आपके लिए। तो उनको तकलीफ़ ना दें, उनका एहसास करें। आप इतनी आपकी फरमाइशें वो पूरी करते हैं, और अगर आप घर के अंदर सुकून क्रिएट नहीं कर सकते उनके लिए, आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, ये टेंशन क्रिएट करते हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, तो वो बहुत बुरा फील करेंगे। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, और सबसे ज़्यादा अपने वालदैन का ख्याल रखना। शुक्रिया।